धन धान्य से भरा रहे ये धनतेरस। भगवान धनवंतरी हैं इस दिन के संचालक। आओ मिलकर करें पूजन उनका, जो है सबके जीवन के उद्धारक। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका श्रेष्ठ भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज धनतेरस है, जो कि एक बहुत ही शुभ त्यौहार माना जाता है। अब क्योंकि ये त्यौहार इतना महत्वपूर्ण है, तो यकीनन इसका असर कहीं ना कहीं आपकी राशियों पर भी देखने को जरूर मिलता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि इस साल धनतेरस पर राशि अनुसार हमें क्या खरीदना चाहिए, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मोक्षित जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मेष राशि के बारे में। आचार्य जी, सबसे पहले मैं मेष राशि से शुरुआत करना चाहती हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को धनतेरस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भगवान कुबेर की कृपा आप सभी के जीवन में निरंतर प्राप्त होती रहे, और भगवान कुबेर आप सभी के जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को दूर करें और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति दें। सर्वप्रथम हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए एक शुभ मुहूर्त बताया गया है, और ऐसे में जैसे कि ये धनतेरस महापर्व है, इसमें हम सभी लोग अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने घर लाते हैं। स्वर्ण, रजत, तांबा, लोहे से संबंधित इत्यादि चीज़ें हम अपने घर पर लेकर के आते हैं, तो ऐसे में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि ऐसे कौन से शुभ योग बन रहे हैं और ऐसे कौन से शुभ मुहूर्त हैं, जिस बीच में आप अपने घर पे कौन सी सामग्री अगर आप लाते हैं तो पूरे साल आपके जीवन में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कहा गया है, हमें सर्वप्रथम आप सभी लोग देखते होंगे कि जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आप पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी हमारे राशि के अनुसार हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि राशियों का प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है, आपके प्रत्येक दिन के दैनिक दिनचर्या पर पड़ता है। आप अगर राशि अनुसार कोई सामग्री खरीदते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है, और अगर आप राशि अनुसार वो सामग्री अगर आपको आज के दिन नहीं लेना चाहिए, अगर आप उसे खरीदते हैं तो उसका आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो इसीलिए इस धनतेरस आप अपने राशि अनुसार सामान लें जो आपके लिए सकारात्मक पूरे जीवन पर्यंत रहे, और पूरे साल भगवान कुबेर की कृपा, भगवान गणपति देव और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। तो आइए सर्वप्रथम बात करेंगे हम मेष राशि के जातक के बारे में। तो मेष राशि के जो जातक हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि आप आज के दिन चांदी के बर्तन खरीदें, इससे भगवान गणपति देव और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। आप चांदी से बनी हुई गिलास ले सकते हैं, चम्मच ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं इत्यादि, कुछ भी आप चांदी से बनी हुई सामग्री, कोई भी बर्तन आप अपने घर पर ला सकते हैं। या फिर जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, आप आज के दिन कांसे से बनी हुई सामग्री, बर्तन, कुछ भी आप अपने घर पर ला सकते हैं, और अगर आप कांसे की चीज़ नहीं खरीद सकते तो आप स्टील से बनी हुई कोई भी बर्तन, गिलास हो, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के उनका अवतार हुआ था, तो इसीलिए आप ऐसा कोई सा भी बर्तन आप खरीदें जिसमें आप जल को स्टोर करके रख पाएँ। आप अपने घर में उपयोग होने वाली कोई भी वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई मेष राशि वालों की। अब मैं बात करना चाहूँगी वृषभ राशि के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वृषभ राशि के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके के सामान धनतेरस में इस बार खरीदना उनके लिए शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं दूसरी राशि, जो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जो जातक हैं, सर्वप्रथम तो उनके जीवन में आजकल बहुत ही उथल पुथल चल रही है। वह जो भी कार्य करने जा रहे हैं
उसमें उन्हें निराशा हाथ लग रही है। तो ऐसे में यह धनतेरस महापर्व आपके लिए शुभ घड़ियां लेकर के आया है, और ऐसे में अगर आप शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में अपने राशि के अनुसार कोई सामग्री खरीदते हैं, कोई बर्तन इत्यादि खरीदते हैं, तो उससे आपके पूरे साल जीवन में माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा बनी रहेगी। तो आइए बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन क्या खरीदना चाहिए। तो आज के दिन वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी चांदी खरीदना बहुत ही शुभ बताया गया है। आप अगर आज के दिन चांदी खरीदते हैं और उसमें भी विशेष रूप से चांदी का जो सिक्का आता है उस पे, जिस पे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी विराजित होती हैं, अगर आप आज के दिन वह सिक्का अपने घर खरीद करके लाते हैं तो इससे पूरे साल भर आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की और गणपति देव की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी, और विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए आप आज के दिन शहद लेकर के आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी मंदिर में जाकर के अगर आप दान करते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, ये तो बात हो गई वृषभ राशि वालों के बारे में। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा विस्तार में बताएं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि के लोगों को किस तरीके के सामान खरीदना शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, सर्वप्रथम जो मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वह बुध होते हैं, और जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनकी वाणी बहुत ही सुंदर होती है, वह अपनी वाणी से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसे में यह जो धनतेरस महापर्व है यह कहीं ना कहीं हमारी वाणी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो लोग एंकर के उसमें कार्य करते हैं या फिर भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं उनके लिए यह धनतेरस महापर्व बहुत ही शुभ संयोगों को लेकर के आया है। आप आज के दिन मिथुन राशि के जो जातक हैं वह सायंकालीन धनतेरस महापर्व पर आपके लिए स्वर्ण खरीदना बहुत ही उत्तम बताया गया है। तो आप आज के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण अवश्य में खरीदें। जो लोग स्वर्ण नहीं खरीद सकते हैं वह आज के दिन तांबे से बनी हुई कोई भी बर्तन आप अपने घर पर ला सकते हैं, और अगर आप कुछ ना ला सकें तो आप एक तांबे से बनी हुई चम्मच या फिर कोई गिलास आप उसको घर पर लेकर के आए। और याद रखें कि यह बर्तन आपको सेम डे यूज़ नहीं करना है। यह जो बर्तन होते हैं या फिर आप धनतेरस पे कोई भी सामग्री आप खरीदते हैं तो उसे आप धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन उन्हीं सामग्री से पूजन अर्चन होते हैं। आप कोई बर्तन खरीदते हैं तो वही बर्तन दीपावली के समस्त पूजन कार्यों में उपयोग होते हैं। तो आप सर्वप्रथम जो भी बर्तन खरीदें आप उसका पूजन करें, और दीपावली के अगले दिन से आप उन बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो भी मिथुन राशि के जातक हैं वह अपने सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण आज के दिन अगर आप खरीदते हैं तो इससे आपके जीवन में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और जो मिथुन राशि के जो जातक हैं अगर वो कार्य क्षेत्र से परेशान चल रहे हैं या फिर आप जितना मेहनत परिश्रम करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आप आज के दिन गिन करके 51 साबुत चावल लें। आप ध्यान रखें कि उसमें कोई भी चावल खंडित नहीं होने चाहिए, और आप कुबेराय नमः बोल करके भगवान कुबेर देवता के सामने आप वह अर्पण करें, और अगले दिन उसे एक लाल कपड़े में बांध करके आप अपने मंदिर में या धन के स्थान पर अगर आप उन्हें रखते हैं तो इससे जीवन पर्यंत और विशेष रूप से पूरे साल आपके जीवन में भगवान कुबेर देवता की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। जी आचार्य जी, ये तो बात हो गई मिथुन राशि वालों की। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। अगर हम कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करें तो कर्क राशि के जो जातक हैं इस समय वो कार्य क्षेत्र से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। अगर हम ज्योतिषीय गणना के अनुसार देखें तो इस समय वह कार्य क्षेत्र से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। जितना मेहनत परिश्रम करते हैं या फिर
वह जहाँ कहीं भी जॉब इत्यादि कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। कभी आपको बॉस से कुछ डांट सुननी पड़ जाती है या फिर किसी भी काम को लेकर के आपको छोटी छोटी बातों पे कोई भी आपको आकर के सुना जाएगा। तो ऐसे में यह जो धनतेरस महापर्व है, यह भगवती माँ लक्ष्मी की और कुबेर देवता की आराधना करने का यह महान पर्व है। इसमें आप ऐसे कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में भगवती माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। और अगर कर्क राशि के जो जातक हैं वह अपने राशि अनुसार अगर आप वह सामान खरीदते हैं जो आपके ऊपर सूट करता है तो वह आप आज के दिन कर्क राशि के जो जातक हैं वह आप चांदी से बने हुए श्री यंत्र खरीद सकते हैं। अगर आप श्री यंत्र नहीं खरीद सकते हैं तो आप पीतल से बने हुए श्री यंत्र जिसपे माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है श्री यंत्र आप उसे अपने घर लेकर के आए और 21 कमल गट्टे ब्लैक कलर का होता है आप देख सकते हैं यह कमल गट्टे की माला है। इसी प्रकार से कमल गट्टा आता है आप वह भी अपने घर पे लेकर के आए श्री यंत्र के साथ में। और सायंकालीन जब आप पूजन करें भगवान कुबेर देवता का तो आप उसी श्री यंत्र के ऊपर ह्रीं महालक्ष्मी नमः बोलते हुए 11 या 21 कमल गट्टे आप भगवती माँ लक्ष्मी के ऊपर अगर आप अर्पण करते हैं तो इससे पूरे साल आपके जीवन में भगवान कुबेर की और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। आपके लिए आज के दिन एक सुंदर उपाय बताता हूँ। आप आज के दिन 3 अथवा 5 आप कमल का पुष्प खरीद करके अगर आप माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी दिक्कतें जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी प्रकार की विघ्न व्याधियां दूर हो जाएंगी। तो आचार्य जी ये तो बात हो गई कर्क राशि वालों की, अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की और जानेंगे कि सिंह राशि वालों को इस धनतेरस क्या खरीदना चाहिए। आइए बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं आप इस धनतेरस ऐसा क्या अपने घर लाएं जिससे कि भगवान कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अनंत प्रसन्न हो और आपको मनचाहा वरदान प्रदान करें। तो आप जो सिंह राशि के जो जातक हैं वह आप आज के दिन अपने घर पे स्वर्ण से बनी हुई सोने से बनी हुई गहने ला सकते हैं, बर्तन ला सकते हैं। और अगर आप यह नहीं ले सकते हैं तो आप आज के दिन कोई भी अपने पूजन पाठ की पुस्तकें किताब अपने घर पे ला सकते हैं जिसे आप प्रत्येक दिन दैनिक दिनचर्या में आप उसका पाठ कर सकें। और अगर हो सके तो आप आज के दिन अपनी धर्म पत्नी को स्वर्ण से बनी हुई गहने अवश्य में भेंट करें। पत्नी को कर सकते हैं, आपके घर में बिटिया है आप उन्हें कर सकते हैं या फिर अपने बहनों को कर सकते हैं या फिर आप अपने भांजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यह चीज़ आप आज के दिन करते हैं तो इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी अनंत प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर अनंत कृपा प्रदान करेंगी। और जो सिंह राशि के जो जातक हैं आप आज के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य मेव करें। आप आज के दिन 11 कपूर के दाने लेकर के आप उसे अपने एक किसी बर्तन में रख लें और उसे जला करके पूरे घर में घुमाए और उसे जाकर के आप अपने मुख्य द्वार पे अगर आप रख देते हैं तो इससे आपके घर में जितने भी नकारात्मक चीज़ें होंगी वह दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में भगवती माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। जी अब हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके के सामान खरीदना चाहिए और कौन सी चीज़ें खरीदना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी इस साल के धनतेरस में। अगर हम बात करें कन्या राशि के जातकों के लिए तो जो कन्या राशि के जो जातक हैं आप इस शुभ धनतेरस पे आप अपने घर पीतल से बनी हुई या फिर कांसे से बनी हुई बर्तन आप अपने घर पर ला सकते हैं। और अगर हाथी के दांत से बनी हुई कोई सामग्री कोई भी वस्तु मिलती है तो आप उसे भी आज अपने घर पर ला सकते हैं। अगर आप यह सामग्री अपने घर पर लाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा वरदान प्रदान करेंगी। आप आज के दिन धनतेरस पे
अगर आप कांसे से बनी कोई भी बर्तन लाते हैं तो उसमें आप एक लोटा या गिलास अवश्य मेव लेकर के आएं और उसमें धनतेरस की रात्रि जल भर करके रख दें और अगले दिन प्रातःकालीन यानी कि छोटी दीपावली के दिन आप उस जल को लेकर के सर्वप्रथम सभी घरों में उसका छीटा लगाएं और जितने भी घर के सदस्य हैं आप उसका आचमन करें 3 बार, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप उस जल का आचमन करते हैं तो आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है तो यह जल पीने से शीघ्र उस बीमारी से वह ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। और क्योंकि यह जो धनतेरस महापर्व है वह भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के महापर्व पर मनाया जाता है, इसमें भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए थे और विशेष रूप से भगवान जो धन्वंतरी हैं वह देवताओं के वैद्य गुरु हैं। तो इसीलिए अगर आप आज के दिन यह उपाय को करते हैं, कांसे के बर्तन में जल रख करके सभी लोग उसका आचमन करते हैं तो आपके परिवार से रोग कोसों दूर भाग जाएगा। आपके लिए भी एक छोटा सा उपाय, आप आज के दिन किसी ब्राह्मण को श्वेत कलर के कपड़े खरीद करके आप उन्हें दान कर सकते हैं, यथाशक्ति आप उन्हें कुछ दक्षिणा दान कर सकते हैं। और यह उपाय सभी जातक कर सकते हैं। धनतेरस के दिन हम सभी लोग अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य मेव खरीदते हैं, लेकिन आप आज के दिन अपने श्रद्धा अनुसार आपके आसपास में कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर आपके आसपास में कोई देवालय है तो वहाँ पे आप जा करके कुछ ना कुछ भेंट अवश्य मेव करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। हाँ, अगर हम तुला राशि के जातकों के बारे में बात करें तो जो तुला राशि के जो जातक हैं वह आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी अपने घर पे ला सकते हैं या फिर कोई वह बल्ब ही क्यों ना हो, अगर आप धन से सक्षम नहीं हैं तो आप आज के दिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बल्ब अपने घर पे ला सकते हैं, किचन से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आप अपने घर पर ला सकते हैं। और आज के दिन आप एक उपाय अवश्य मेव करें, आप आज के दिन 21 बताशे लेकर के आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के समक्ष आप उन्हें अर्पण अवश्य मेव करें और अगले दिन वह बताशे आप ले जा कर के किसी भी पेड़ के नीचे आप रख दें। जी अब आचार्य जी हम बात करना चाहेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं वह आज के दिन अपने घर पर वाहन इत्यादि कोई भी वस्तु अपने घर पर ला सकते हैं। और विशेष रूप से अगर आपने प्लान बना रखा है किसी भी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने का तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही सुंदर रहेगा। आप आज के दिन भूमि वाहन घर इत्यादि में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं तो पूरे साल माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। और आपके लिए एक छोटा सा उपाय आप अवश्य मेव करें, आप आज के दिन 11 इलायची लेकर के भगवान कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी के समक्ष आप उन्हें अर्पण करें और अगले दिन आप उस इलायची को इकट्ठा करके रख लें और उसे आप जहाँ कहीं भी अपने घर में धन रखते हो, आपका जो व्यापार स्थान हो वहाँ पे आप अपने तिजोरी के अंदर अगर आप उसे रखते हैं तो इससे भगवान कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्त होगी। जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया आचार्य जी इस बारे में। और अब हमारी अगली राशि है धनु राशि। हम बात करें धनु राशि के जातकों के लिए तो जो धनु राशि के जातक हैं वह स्वर्ण से बने हुई कोई भी वस्तु अपने घर पर ला सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो स्वर्ण से बने हुए बर्तन अपने घर पर ला सकते हैं, या फिर अगर आप धन से सक्षम नहीं हैं तो आप आज के दिन पीतल से बने हुए बर्तन भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। आज के दिन बर्तन खरीदने का एक बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि भगवान धन्वंतरी स्वर्ण कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए आज के दिन बर्तन इत्यादि खरीदना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपके लिए आज के दिन एक सुंदर सा उपाय आप अवश्य मेव करें, आप आज के दिन 11 लौंग लेकर के आप भगवान
कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी के समक्ष आप उन्हें अर्पण करें और अगले दिन वह लौंग को उठा करके अपने शरीर से 11 बार उतारा करके आप उसे अपने व्यापार स्थान पर रख दें या फिर आप किसी बहते पानी में आप उसे ले जा करके प्रवाहित कर दें। जी आचार्य जी, अब हमारी जो अगली राशि है वो है मकर राशि। बात करें हम मकर राशि के जातकों के लिए, तो जो मकर राशि के जो जातक हैं वह इस धनतेरस महापर्व पे कोई भी अपने घर पे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी सामान अपने घर पर ला सकते हैं या फिर नीले रंग का कोई भी सामान, साड़ी, कपड़े, कोई भी वस्तु हो नीले रंग का आप अपने घर पे आज के दिन ला सकते हैं। इससे भगवान कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा वरदान अवश्यमेव प्रदान करेंगे। आपके लिए एक सुंदर छोटा सा उपाय आप आज के दिन अवश्यमेव करें। आप आज के दिन जटा वाला नारियल ला करके उसे माँ लक्ष्मी को अवश्यमेव अर्पण करें और अगले दिन यानी कि छोटी दीपावली के दिन आप उस नारियल को फोड़ करके सभी लोग प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि नारियल को श्री फल बताया गया है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की अनंत कृपा प्रदान होगा। जी आचार्य जी, अब हमारी अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो जातक हैं आजकल उनके राशि पे शनि जो है वो वक्री में चल रहे हैं और बहुत जल्द मार्गी होने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप धनतेरस पे ऐसी सामग्री, ऐसी कोई वस्तु अपने घर पर ला सकते हैं, क्योंकि जो कलयुग की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह माँ लक्ष्मी हैं, क्योंकि उनके बिना आज के टाइम में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो कुंभ राशि के जो जातक हैं आप आज के दिन चांदी से बने हुए या फिर स्वर्ण से बने हुए गणेश लक्ष्मी को अवश्यमेव अपने घर पर लाएं, या फिर अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप मिट्टी से बने हुए भी गणेश लक्ष्मी अपने घर पे अवश्यमेव ला सकते हैं, या फिर चांदी से बने हुआ एक कलश आता है आप उसे भी अपने घर पर ला सकते हैं। अगर आप आज के दिन यह सामग्री अपने घर पर लाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके जीवन में प्रदान होगा और आपके लिए आज के दिन बहुत सुंदर एक छोटा सा उपाय, आप आज के दिन लाल कलर की कोई भी साड़ी खरीद करके अपनी धर्मपत्नी के हाथ से आप किसी गरीब महिला को आप दान अवश्यमेव करवाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्रदान होगा आपके जीवन में। जी आचार्य जी, अब हमारी जो आखिरी राशि है वो है मीन राशि। अगर हम बात करें हमारी अंतिम राशि जो 12वीं राशि है वह मीन राशि, तो जो मीन राशि के जो जातक हैं इस धनतेरस महापर्व पे आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या फिर पीतल से संबंधित कोई भी बर्तन आप अपने घर पर ला सकते हैं, या फिर अगर आप अपने लिए शॉपिंग करना चाह रहे थे अगर आपको टाइम नहीं मिल पाया हो तो आप आज के दिन अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं और उसमें सफ़ेद कलर की एक शर्ट आप अपने लिए अवश्यमेव लीजिएगा। ऐसा आप ला करके देखें, आपके जीवन में पूरे साल भगवान कुबेर की और माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा प्रदान होगा और आपके लिए बहुत ही सुंदर एक छोटा सा उपाय, आप आज के दिन 108 गिन करके साबुत धनिया जो होता है वह भगवान कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी के सामने अवश्यमेव अर्पण करें। जी आचार्य जी, आपने 12 राशियों के ऊपर जो इतनी गहरी जानकारी दी है धनतेरस के ऊपर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें, हमारे स्टूडियो में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की आचार्य मोक्षित जी से और विस्तार में जाना कि धनतेरस में, इस बार का जो धनतेरस है, इस धनतेरस में हर राशि के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके के सामान खरीदने चाहिए जो उनके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।